असलम अरिवान कैसे सब लोग आई होप यू गर्स आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फाइनली पी एस एल सिक्स पाकिस्तान सुपर लीग वापस आ चुकी है लास्ट टाइम जब पोस्टपोन हुई थी तो काफ़ी सारे लोग मायूस हुए थे लेकिन मैंने आपसे कहा था कि वापस आएगी और यहाँ पर मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर करता हूँ जिसमें न्यूज़ में बताया जा रहा था कि तेईस मई से लेकर बीस जून के बीच में ये पी एस एल सिक्स के रिमेनिंग मैचेस कराए जा सकते हैं और अब फाइनली शेड्यूल भी आ गया है और आपको सारी डिटेल्स देंगे कि प्लेयर्स कब आएँगे वो यहाँ पर करंटीन कब करेंगे और फिर कब फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे दिन में कितने मैचेस खेले जाएंगे कब पी एस एल सिक्स के रिमेनिंग मैचेस शुरू होंगे और कब खत्म होंगे आपको मिस ना करें। और चैनल को सब्सक्राइब लें फिर आते हैं बाकी तमाम डिटेल्स की तरफ सुपर लीग सिक्स के बकिया मैचेस तेईस मई से बीस जून के दरमियान कराने का फैसला हुआ है तो जैसा की आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस ईयर में हमारे पास दो विंडोज ओपन है जिसमें 6 के मैचेस कराए जा सकते हैं और मई जून की विंडो को ज्यादा आपको बता देता हूँ पाकिस्तान बोर्ड के बोर्ड गवर्नर का दस अप्रैल बरोज हफ्ते वर्चुअल सेशन के जरिए मुनद हुआ ऑनलाइन अजलास की कार्रवाई की तफसीत आपके साथ शेयर कर देते हैं बी को एच बी यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर को एच बी के बायोसिक्योर प्रोटोकॉल्स और दो हजार का के जायजे के लिए चेयरमैन पी सी बी एहसान मानी की हिदायत पर तश्कील करदा दो रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट परेश की गई बी ओ जी ने रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेने के बाद रिपोर्ट में सामने आने वाली खामियों पर मायूसी जाहिर करते हुए हिदायत की है कि इसमें बेहतरी के लिए मुनासिब इकदाम किए जाए बी ओ जी ने मरबूत और सख्त प्रोटोकॉल के नफाज समेत फैक्ट फाइंड पैनल की जानब से पेश करदा तमाम तजावीज की तायद की है मैं सिंपल करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ आपको याद होगा जब पी एस एल शुरू हुआ था तो उसके स्टार्टिंग में ही प्लेयर्स एक दूसरे से मिल रहे थे जो थे वो बाहर जा रहे थे मतलब कि बायोसिक्योर बबल जो क्रिएट किया हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही थी उस पर मायूसी का इजहार करते हुए यह बताया जा रहा था कि इस बार जो रिमेनिंग मैच के लिए बायोसिक्योर बबल और जो इन्वॉर्मेंट क्रिएट किया जाएगा उसको फॉलो किया जाएगा और अगर कोई प्लेयर उसकी खिलाफ वर्जी करेगा या कोई ऑफिशल या किसी तरह की भी खिलाफ वर्जी की गई कोविड नाइन्टीन के एस ओ पीज की तो उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना भी शामिल है इस बार बी ओ जी को आगा किया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एच बी एल पी एस एल दो हजार इक्कीस के बकिया मैच का इनका महफूज माहौल में करना चाहता है और इस अमल को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसी कंपनी से कर रखा है जो पर अपनी पहचान रखती है और जो कि कोविड नाइनटीन से पाक बायोसिक्योर माहौल की तैयारी और उसका जायजा लेने के साथ साथ टेस्ट रिजल्ट मस्बत आने पर रिस्पॉन्स के माहिर है यानी कहने का मतलब यह है कि इस बार जो बायोसिक्योर बबल और इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा उसमें किसी तरह की भी गुंजाइश नहीं होगी और बाहर की कंपनी को इस बार हवाला किया गया है और ये तमाम तर मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में ही खेले जाएंगे पहले जो पुराना शेड्यूल था उसके मुताबिक हाफ पी एसल, मतलब जो पी का दूसरा फेज था वो कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाना था फाइनल भी हुआ था लेकिन अब जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो सारे के सारे नेशनल स्टेडियम कराची में ही होंगे अच्छा अब जितने भी प्लेयर्स हैं फॉरन प्लेयर्स को इंक्लूड करके वो बाईस मई से एक ही होटल में कॉर्ंटीन करेंगे सात दिन तक और उसके बाद वो फिर तीन रोजा ट्रेनिंग सेशंस भी करेंगे उसके बाद यकम जून से रिमेनिंग मैचेस शुरू हो जाएंगे और फाइनल मैच जो है वो बीस जून को खेला जाएगा मैचज़ का आगाज रात आठ बजे होगा डबल हेडर वाले दिन पहला मैच शाम पाँच बजे और दूसरा रात दस बजे शुरू होगा अच्छा शेड्यूल भी आपके साथ शेयर कर देते हैं और देखिए है तो यकम जून यानी एक जून को ही लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच हो जाएगा नाइट टाइम दो जून को मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची नाइट तीन जून को इस्लामाबाद यूनाटेड वर्सेज़ कोयटा ग्लैडियटर्स नाइट चार जून को पेशावर जलमी वर्सेज़ लाहौर कलंदर्स नाइट पाँच जून को दो मैचेस खेले जाएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स की ये डे और मुल्तान सुल्तान वर्सेज़ कोयटा ग्लेडिएटर्स नाइट क्राइम खेला जाएगा छः जून को पिशावर जलमी वर्सेस कराची किंग्स नाइट सात जून को कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स नाइट आठ जून को मुल्तान सुल्तान वर्सेस पिशावर जली नाइट नौ जून को इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स नाइट दस जून को कोयटा ग्लेडिएटर्स में मुकाबला कराची नाइट और बाकी का शेड्यूल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं अब हर एक मैच रीड करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा पी पी के हॉल ऑफ़ फेम के बारे में बी बोर्ड ऑफ गवर्नर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शौरा फाक शख्सिया की खदमत काफ़ करते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए मुतफ़ा तौर पर पी सी बी हाल ऑफ फेम के आगाज़ की मंजूरी दे दी है कोरोना वायरस से केवल श्रीलंका और बंगलादेश के द्वारा पाकिस्तान पर सबक क्रिकेटर्स के एजाज़ में ग्राउंड में तकारीब के इनका और फिर हाल ही में कलेंडर ईयर दो हज़ार बीस में उमदा कर्कर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को पी सी बी एवार्ड्स पर नवाजने के बाद अब कौम करकेट के नाम और शख्सियात की खिदमत को सराहानी के लिए ये एक और नया कदम उठाया गया है अच्छा मैं आसान करके एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पी ने एक और नया कदम उठाया है हॉल ऑफ़ फ़ेम का जैसे कि बाकी कंट्रीज़ में होता है जो लेजेंड क्रिकेटर्स होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है उन्हें हॉल ऑफ़ फ़ेम में रखा जाता है जैसे कि इस साल पी ने अवार्ड भी अनाउंस किए थे बेस्ट क्रिकेटर और जितनी भी कैटेगरीज़ थी आपको बताओगा खैर पी हॉल ऑफ़ फेम में शामिल होने वाली नई शख्सियात का ऐलान हर साल अक्टूबर की 16 तारीख को किया जाएगा ये वही दिन है जब पाकिस्तान ने सन 1952 में पहली मरतबा टेस्ट क्रिकेट का आगाज किया था यकीन इस तरह से प्लेयर्स की हौसला अफजाई भी होगी और ये स्टेप्स अभी पी सी बी ने शुरू किए हैं इब्तदाई तौर पर आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल छः अरकान हनीफ मोहम्मद इमरान ख़ान जावेद मियादाद वसीम वसीमा कर मकारीून जहर हाँ अबाज़ को पी सी बी हॉल आफ़ फेम का हिस्सा बनाया गया है आगे बढ़ते हुए हर साल बशमूल रवान साल मजीद तीन शख्सियात पी सी बी हॉल ऑफ फेम में शामिल की जाएंगी इन शख्सियात का इंतबाब एक आज़ाद पैनल करेगा इसी के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्लब से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं उसमें एक दो चेंजेस की गई हैं हर उसमें डिटेल की तरफ हम नहीं जाएँगे मेन फोकस हमारा पाकिस्तान सुपर लीग पी एस एल सिक्स के शेडूल और बाकी मैच का था इस इसके अलावा एक और दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर ने न्यूजीलैंड में शेड्यूल आई सी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर और वेस्ट इंडीज़ में शेड्यूल आई सी अंडर नाइनटीन क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियों की गरज से पी की जानब से उठाए जाने वाले इकदाम पर भी इतमाद का इजहार किया है और बी को बताया गया है कि कोविड नाइन्टीन के बढ़ते केसेज के बाइस पाकिस्तान अंडर नाइनटीन क्रिकेट टीम का दौरा बंग्लादेश मुलतवी हो गया है लिहाजा कौमी अंडर नाइनटीन क्रिकेट टीम का लाहौर में जारी तरबियती कप भी इख्ताम पसी हो गया है आपने नोटिस किया होगा हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अंडर नाइनटीन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स थे उनकी स्टोरीज वगैरह लगा रही थी वो इसी टूअर की बात हो रही है दीगर उमूर में एक दो और न्यूज़ शामिल हैं चेयरमैन बी सी बी एहसान मानी ने बी ओ जी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रवान साल शेड्यूल आई सी सी टी ट्वेंटी क्रिकेट वर्ल्ड कप और ए सी सी एशिया कप जो कि दो हज़ार बाईस तक मुलतवी हो चुका है ऐसे मतलब उमूर पर ब्रीफिंग्स दी यानी आने वाले इवेंट्स के बारे में भी बातचीत होती रही खैर जब वी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का शेडूल वगैरह जितनी भी न्यूज़ होगी वह मैं टाइम पर आपके साथ शेयर करता तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने कलेक्ट करके आपके साथ शेयर करनी थी पी एस एल सी का शेड्यूल हो गया और यह न्यूज हो गई और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और एक और बात आई नो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि क्राउड अलाउड होगा कि नहीं ऑब्वियसली इतनी सख्ती की जा रही है कोविड नाइन्टीन के बायोसिक्योर बबल को लेकर तो क्राउड अलाउड नहीं होगा हाँ जो स्टार्टिंग में फेज वन में मैच हुए थे उसमें कुछ क्राउड अलाउ किया गया था लेकिन अब केसेस काफी ज्यादा हो गए हैं जो कोविड की तीसरी लहर आई है इसको देख कर ऑब्वियसली क्राउड को अलाउ नहीं करेंगे और जो आपने टिकट वगैरह बाई किए थे आई नो उसकी वापसी वगैरह भी हो चुकी होगी तो बस यार उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ अपना ख्याल रखिएगा दिस ऑफिसर हमद ऑफ टेक केयर अल्लाह हाफिज़